बड़ी खबर इस वक्त बिहार की राजनीति के हवाले से मिल रही है और सवाल यह है कि क्या बिहार की सियासत जनगणना की गिनती बनकर रह गई है, क्योंकि हम आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री मोदी पर बड़ा हमला बोला है। प्रधानमंत्री मोदी को उन्होंने नकली ओबीसी कहा है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी के ओबीसी वाले बयान पर हमला बोल दिया है। तेजस्वी ने ट्वीट कर तंज वाले लहजे में कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी दरअसल नकली ओबीसी हैं। तेजस्वी ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी आप 55 वर्ष तक अगड़े रहे, फिर एक दिन अचानक से पिछड़े बन गए। दरअसल महाराष्ट्र में एक चुनावी जनसभा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि मैं पिछड़ा हूं, इसलिए कांग्रेस मेरी हैसियत बताती रहती है। अब तो उन्होंने पूरे पिछड़े समाज को चोर कहना शुरू कर दिया है। इस बयान पर तेजस्वी ने अपने दूसरे ट्वीट में लिखा है कि प्रिय नरेंद्र मोदी जी, आप जन्मजात नहीं नकली ओबीसी हैं, और हां आपने चोरी की है। क्या किया है पिछड़ों के लिए? पीएमओ में एक भी अधिकारी ओबीसी नहीं है, ये ट्वीट में लिखा है तेजस्वी यादव ने। देश में कोई वीसी प्रोफेसर ओबीसी नहीं है, किसी संवैधानिक संस्था का निदेशक ओबीसी नहीं है। जातीय अनुपात में ओबीसी का आरक्षण आपने क्यों नहीं बढ़ाया? तेजस्वी के ट्वीट पर डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने और एलजेपी के नेता चिराग पासवान ने पलटवार किया है। तो यहां से अब बिहार की राजनीति एक बार फिर से, या कह सकते हैं कि देश की राजनीति एक बार फिर से ओबीसी और जो जातीय का गणित है उसमें उलझता हुआ नजर आ रहा है। साल बिहार में राज किया, उनको लगता था कि पिछड़ों के वोट पर उनका एकाधिकार है और अति पिछड़ों को उन्होंने अपना बंधुआ मजदूर बनाकर रखा था। और आज जब पिछड़ा समाज का कोई व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बना है तो इनको जलन हो रही है, इनको परेशानी हो रही है। और आपको बता दें कि ये पूछ रहे हैं कि पीएमओ में कौन है पिछड़ा, तो नरेंद्र मोदी जी का जो प्राइवेट सेक्रेटरी है, जो उनका निजी सचिव है, वो आदिवासी समाज से आने वाला राजीव टोपनो जो है उनका प्राइवेट सेक्रेटरी है। देखिए, जैसा मैंने कहा कि वो मेरे छोटे भाई हैं और उनको जानकारी का हमेशा अभाव रहता है। मुझे लगता है ये तमाम ऐसी चीजें जो पब्लिक डोमेन किसी की जाति पे सवाल उठाना, मुझे लगता है ये अपने में ही बहुत गलत सवाल है। जब तीन राज्यों के चुनाव परिणाम आए थे, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, इसके बाद किस तरह से रामविलास पासवान जी और उनके सुपुत्र श्री चिराग पासवान जी ने पत्र लिखा था, नोटबंदी पर सवाल पूछे थे माननीय प्रधानमंत्री जी को, बहुत सारी बातें कही थी। आनंद फानंद में डैमेज कंट्रोल किया गया और अमित शाह जी ने, नीतीश कुमार जी ने उनको एक राज्यसभा का दे करके किसी तरह से बात पे चप हुआ। तो अब जाहिर सी बात है कि जिस तरह की बयानबाजी इस वक्त हो रही है दोनों ही पार्टियों के बीच में, दोनों ही धड़ों के बीच में, तो अब कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये है कि क्या जातीय आंकड़ों के बीच देश की राजनीति उलझकर रह गई है? और सवाल ये भी है यहाँ पर कि आखिरकार प्रधानमंत्री को क्यों खुद को पिछड़ा बताना पड़ रहा है? सवाल यहाँ पर ये भी उठ रहा है कि क्या बिहार के नेता विपक्ष तेजस्वी यादव कास्ट सर्टिफिकेट बांट रहे हैं? और आखिर चुनाव के इस दौरान या फिर इस वक्त उनको ये जरूरत क्यों पड़ रही है? सवाल यहाँ पर यह भी है कि नकली वर्सेस असली ओबीसी की जो लड़ाई चल रही है उससे हासिल क्या होने वाला है? और एक अहम सवाल जो लगातार हम उठा रहे हैं कि ये सियासत हो रही है या जनगणना हो रही है, ये बड़ा सवाल है जो जी बिहार झारखंड आपसे जानना चाह रहा है कि क्या ये सियासत है या फिर यहाँ पर जातियों की गिनती चल रही है। और ये कुछ अहम सवाल हैं, ये कुछ सवाल हैं जो जी बिहार झारखंड लगातार उठा रहा है। इन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए हम रुख करते हैं जी बिहार झारखंड के पॉलिटिकल एडिटर बिहार शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। शैलेंद्र जी, अब इस मुकाम पर जब चुनाव के दो चरण संपन्न हो गए हैं तो क्या एक बार फिर से बिहार और खासकर जो है अब बिहार में जो आरजेडी की राजनीति है और जिस तरीके से चिराग पासवान का बयान आता है, सुशील मोदी का बयान आता है, तो क्या ये कहें कि एक बार फिर से जातीय आंकड़ों में उलझाने की कोशिश हो रही है?
जी बिल्कुल राजेश, जातीय आंकड़ों में उलझाने की कोशिश भी हो रही है और ये कहें कि जिस तरह से बात कही चिराग पासवान ने, चाहे उनका बयान हो, चाहे डिप्टी सीएम सुशील मोदी का बयान हो, और जिस तरह से ट्वीट करके जो तेजस्वी यादव हैं उन्होंने एक पक्ष रखा, एक बात रखने की कोशिश की कि कोई पीएमओ में कोई अधिकारी नहीं है, तो उसका जवाब तुरंत ही आया है। चूंकि चुनाव का समय है, दो चरण बीत चुके हैं, तीसरा चरण 23 तारीख को है और इस बीच में इस तरह के कोई सवाल उठते हैं। अभी आपने पिछले साल देखा था किस तरह से SC ST एक्ट को लेकर जिस तरह से बिहार में पूरे देश में अगर सबसे ज्यादा कहीं प्रदर्शन हुआ, सबसे ज्यादा कहीं एक लामबंदी हुई थी, तो ये कह सकते हैं बिहार में हुई, तो जाहिर सी बात है कि ओबीसी की जो राजनीति है या पिछड़ों की जो राजनीति है, तो उसको लेकर अब एक जो प्रधानमंत्री का जो बयान आया उसके बाद जो चीजें हुई हैं, तो ये राजनीतिक फायदा, इसका एकमात्र मकसद है कि ये राजनीतिक फायदा किस तरह से वोटरों को अपने पक्ष में किया जाए, क्योंकि ओबीसी वोटर्स की एक बड़ी संख्या है और वो चुनावी समीकरण को बना और बिगाड़ सकते हैं। और इसी को देखते हुए पूरी कवायद है, चाहे RJD की तरफ से हो, चाहे JDU की तरफ से हो, चाहे BJP की तरफ से हो और चाहे LJP की तरफ से हो, चूंकि ये जो राजनीतिक दल हैं वो कोशिश करते हैं कि हम ओबीसी के हितैषी हैं, उनका हम ख्याल रखते हैं, उनकी जो परेशानियां हैं, जो समस्याएं हैं, या कहीं कि उनको प्रतिनिधित्व देने की बात हो, लगातार सभाओं में भी इस पर बात होती है। अब चूंकि ट्विटर के जरिए और जिस तरह की बातें हो रही हैं, तो जाहिर सी बात है कि वोट को साधने की कोशिश है। इसके अलावा इसको और किसी नजरिए से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि जिस तरह का मौसम चल रहा है, जिस तरह की चीजें चल रही है और जिस तरह के ये कहें कि रुझान आ रहे हैं, जब वोटिंग हो जाती है उसके बाद जो एक गुणा गणित और नफा नुकसान लगाया जाता है कि इस अभी 9 सीटों पर चुनाव होना है, 31 सीटों पर चुनाव यहां होना बाकी है बिहार में, तो इस तरह से कि आगे के फेज कैसे रहेंगे और किन जातियों का, किन समीकरणों का प्रतिनिधित्व है या बाहुलता है अगले चरण में, उसको लेकर तरह तरह की रणनीतियां बनाई जाती है। और ये कहें कि दिन में कई कई बार रणनीतियां जो होती हैं, सवाल यहां पर उठ रहा है कि क्या प्रधानमंत्री ने जो यहां पर बॉल किया था या बॉलिंग की थी, बॉल डाला था, क्या तेजस्वी उस पर गच्चा खा गए हैं या उसी तरीके का शॉट लगा दिया है? क्योंकि अगर जातीय गोलबंदी होगी तो क्या जाहिर सी बात है कि इसमें फायदा किसको होगा बिहार में? जी बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि जो प्रधानमंत्री ने बात कही तो उस पर उन्होंने शॉट तो नहीं लगाया है, क्योंकि जो चीजें कही उनका खंडन तुरंत हो गया है कि उन्होंने अधिकारियों का नाम भी बता दिया है जो वहां काम करते हैं। तो ये बात है कि एक तरह से गच्चा खा गए हैं, क्योंकि जब कोई आरोप आप लगाते हैं, जब कोई आप फिगर रखते हैं, जब कोई चीजें रखते हैं, तो उनके पहले अध्ययन करना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं, उनका क्या रिपरकशन होगा, किस तरह का असर पड़ेगा। जाहिर सी बात है कि अधिकारियों का जो नियुक्ति है उसमें और जिस तरह की बातें उन्होंने कही कि कहीं भी किसी संवैधानिक संस्था में कोई जो VC नहीं है, वो तमाम तरह की संस्थाओं की बात की, तो और उनको अब गिनाया जा रहा है, तो ये साफ तौर पे है कि कोई वॉकओवर नहीं देना चाहता है, कोई अपनी जो एक कहें कि स्टैंड है उससे पीछे नहीं हटना चाहते हैं। और शैलेंद्र जी रोकना चाहेंगे इस वक्त आपको, दरअसल BJP के नेता संजय सरावगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। संजय जी, प्रधानमंत्री ने जो कहा महाराष्ट्र की चुनावी सभा में और उस पर जिस तरीके से ट्वीट किया है नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ने, इसको लेकर क्या कहेंगे? और आपकी पार्टी की तरफ से भी लगातार पलटवार हो रहा है, ये असली और नकली ओबीसी की लड़ाई क्या है? देखिए, नौमी पास, नौमी फेल लोगों को जितना बुद्धि होगा, जितना अकल होगा जी, उतना ही बात ये लोग कर सकते हैं। आज नरेंद्र मोदी जी ने सभी के लिए विकास किया है, और जहां तक पिछड़ों की बात है, नरेंद्र मोदी जी ने पिछड़ों के लिए जितना काम किया, आज पिछड़ा आयोग को संवैधानिक मान्यता देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया, और एक अति पिछड़ा समाज के बेटा को उसका अध्यक्ष बनाया जी। और लालू प्रसाद यादव जो सरकार में थे, अति पिछड़ों को जो बिहार में आरक्षण की बात हो रही थी, कई इन्होंने आरक्षण, किसी तरह आरक्षण नहीं मिले, इसके लिए जितना प्रयास हो सकता था उतना प्रयास लालू प्रसाद यादव जी ने किया। ये लोग केवल जो है, जो हालत है इन लोगों की, केवल जो है झूठ बोलने का काम कर रहे हैं, भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं, लेकिन जनता भरमाने वाली नहीं है। एक एक लोग आप नीचे उतर के देखिए, नरेंद्र मोदी जी से गुणगान कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी ने जो पिछड़े समाज के, अति पिछड़े समाज के लिए जो काम किया, दलित समाज के लिए काम किया, गरीबों के। सवाल संजय सरावगी जी ये है कि जब इतना ही काम किया है तो ये पिछड़ा बताने की जरूरत क्या पड़ी चुनाव के बीच में? वाजिब है, आप समझिए, आज नरेंद्र मोदी जी को जितना अपशब्द बोला जा रहा है, जितना गाली पड़ा जा रहा है, वो पिछड़े समाज के गरीब व्यक्ति थे, गरीब परिवार से आते थे, इसलिए लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है जी। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं और पिछड़े समाज से आते हैं, और सभी
समाज में जिस नेता की स्वीकारता है जी, लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। बिल्कुल संजय जी, बहुत शुक्रिया आपका। संजय सरावगी बीजेपी के नेता हमारे साथ जुड़े हुए थे, बहुत शुक्रिया आपका, आपने बात की। तो हम आपको बता दें कि जिस तरीके से ये बयान दिया गया है, अब आगे यहां से तमाम तरह के बयान सुनने को मिलेंगे, तमाम तरह की बातें देखने को मिलेंगी। और हम आपको बता दें कि शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जी बिहार झारखंड के पॉलिटिकल एडिटर बिहार। शैलेंद्र जी, आपने सुना संजय सरावगी को, तो जिस तरीके से ये बात शुरू की गई थी, अब उससे दो कदम चार कदम आगे खड़ी नजर आ रही है बीजेपी। जी बिल्कुल, आगे खड़ी नजर आ रही है। और जिस तरह का कहें कि जो समीकरण है, जो वोट है ओबीसी का, वो विशेष बात, और लगातार इस पे बात होती रही पहले कि किस तरह से, जब आरक्षण की बात, जो आरक्षण की बात संजय सरावगी कर रहे थे, जब आरजेडी की सरकार थी उसने विरोध किया था, कोर्ट में जाकर हलफनामा लगाया था, तो ये तमाम तरह के सवाल जो है वो सामने आए थे कि जो चीजें हैं वो नहीं होनी चाहिए। और अब ये कहना है कि जिस तरह का आयोग बनाया गया, जिस तरह की चीजें की गई, तो जाहिर सी बात है कि अब वार पलटवार और यही है। और अब आगे देखना होगा किस तरह की चीजें जो आरजेडी की तरफ से आती हैं, जो उन्होंने बात कही, किस तरह से काउंटर उसको किया जाता है, क्योंकि अब एक चीज है, ये सामने तो बातें आ ही गई हैं, और इसका कितना लाभ जो राजनीतिक दल हैं वो उठा पाते हैं, क्योंकि अब जो चुनावी सभाएं हैं और जिस तरह की चीजें हैं उनको आगे लेके जाने की कोशिश विभिन्न राजनीतिक दलों की तरफ से की जाती रहेगी। बिल्कुल शैलेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से ये बात शुरू की गई थी, अब अभी और तमाम प्रतिक्रियाएं, तमाम वार पलटवार इस खबर पर देखने को हमें मिलेंगी। और सबसे पहले आप तक जी बिहार झारखंड।